ठीक है। तो बच्चों आज से स्टार्ट किया जाता है बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का पहला चैप्टर, दैट इज कॉल्ड नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, अब ये होता क्या है, व्हाट इज द नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले बिजनेस नेचर या पर्पस को जानने के लिए बच्चों हमें बिजनेस को जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा बिजनेस को। बिजनेस को जानने के लिए, अब बिजनेस होता क्या, जनरली हम, मैंने जैसा कल भी आपको बताया था आपके इंट्रोडक्शन में कि बच्चा बिजनेस होता क्या है, तो सामान को खरीदना या बेचना, या फिर जो हम अपनी सर्विसेज देते हैं, तो सर्विसेज या सामान दोनों को खरीदना या बेचना क्या कहलाता है, बिजनेस। परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ बिजनेस। बस सिंपल सी चीज है और इसकी डेफिनेशन देखे, सिंपल सा लिखा है, क्या है बिजनेस, क्या होता है बिजनेस, इज एन ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस बच्चों क्या है, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। आपको पता ही है जैसा कि बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि सेटिस्फाई करती है किसे, सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो भी ह्यूमन की नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना। कैसे सेटिस्फाई होगी, बाय सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो कोई भी इंसान बिजनेस में क्यों आता है, अगर मुझे भी कोई बिजनेस करना हो या आपको कोई बिजनेस करना हो तो आप क्यों जाओगे, कोई ना कोई आपकी नीड्स होगी, कोई ना कोई आपकी जरूरतें होंगी, कहीं ना कहीं चाहे वो पैसों से रिलेटेड जरूरत हो, मेन सबसे बड़ी चीज क्या होती है, पैसा। कोई भी बिजनेस इंसान सर्विस के माध्यम से कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम फ्री में सारी चीजें दे रहे हैं, ये सोच के किसी का भी बिजनेस नहीं होता। हर एक बिजनेस के पीछे जो आपका मोटिव होता है वो होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो बिजनेस कैसी एक्टिविटी है, ये ह्यूमन एक्टिविटी है, इससे क्या होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। किसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ह्यूमंस को, जो उनकी नीड्स होंगी वो फुलफिल हो जाएंगी। अब कैसे फुलफिल होंगी, कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना बिजनेस के लिए, तो काम क्या किया जाता है, बाई सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर दोनों की बात की जाएगी, सिर्फ आप गुड्स को लेके नहीं चल सकते कि ओनली, आप ये नहीं कह सकते बाय सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स, नहीं, सर्विसेज आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस, कि बिजनेस इज एन ह्यूमन एक्टिविटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बाय सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब से बात यह आती है, ये कैसी एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है। अब बेटा ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके की होती है, जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है इसके टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप। अब ह्यूमन एक्टिविटी के टू टाइप होते हैं बेटा, पहला टाइप इसका जो आता है, जिसका पहला टाइप होता है वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो सर बात की जाती है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। बेटा याद रखिएगा, पूरे अकाउंट्स बिजनेस या इकोनॉमिक्स में या इंडिया में जो आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो, कहीं भी जब इकोनॉमिक्स की बात की जाती है, इकोनॉमिक्स की बात, तो इकोनॉमिक्स का सीधा सीधा जो टर्म्स रिलेटेड होता है वो होता है मनी से। जो भी काम, जो भी वर्क, जो भी एक्टिविटी पैसों के लिए की जाएगी, जो भी एक्टिविटी पैसों के लिए की जाएगी वो कैसी एक्टिविटी कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। द एक्टिविटी डन फॉर मनी दैट इज कॉल्ड अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी पैसों के लिए की जाएगी वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगी, चाहे वो जैसी एक्टिविटी हो। अब ये बताओ, हम तुम्हें पढ़ाते हैं, आप इसके लिए स्कूल में फीस देते हो, कैसी एक्टिविटी हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मैंने सर्विस दी, मुझे स्कूल से फीस मिली, कैसी एक्टिविटी हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, डॉक्टर ने आपसे फीस ली, कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप वकील के पास जाते हो, वो आपका केस लड़ने की फीस लेता है, कैसी एक्टिविटी हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप अपने घर से स्कूल तक आते हो,
कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपोर्टेशन का कुछ एक्सपेंस देना होता है, वो एक्सपेंस कैसा हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसा कोई भी वर्क आप इसको अपनी जनरल लाइफ से जोड़ के देखिए, अपनी जनरल लाइफ से कभी भी बिजनेस पढ़िएगा उसे अपनी लाइफ से जोड़ लीजिएगा। तो आपने अगर कोई भी एक्टिविटी की, चाहे वो पैसा जाने की हो चाहे पैसा आने की हो, वो सभी एक्टिविटी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बच्चों यहां पे जो बिजनेस में ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ये ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का मोटिव ही होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। बिना पैसों के कोई भी इंसान बिजनेस में आना नहीं चाहेगा। जहां मोटिव प्रॉफिट का नहीं होगा तो आप बिजनेस में आना नहीं चाहोगे। अगर आपको ये कहा जाए कि आप ये काम कीजिए आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो आपका उस काम को करने में मन भी नहीं लगेगा। क्योंकि हर इंसान की अपनी एक नीड्स होती है, उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रेजेंट टाइम में पैसों की जरूरत है, और बिना पैसे के हम अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अब बिजनेस क्या कहता है कि बिजनेस ऐसी एक्टिविटी है जो सेटिस्फाई करता है किसकी, ह्यूमन नीड्स को। और बिना पैसों के क्या आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाओगे क्या, नहीं। तो बेटा जो भी एक्टिविटी होती है, ये कैसी एक्टिविटी, अगर पूछा जाए कि बिजनेस में कौन सी एक्टिविटी की जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमें समझ में आ गया। सपोज दैट आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, आपने उसको फीस दी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब डॉक्टर तो डॉक्टर ही है। अब इसी का सेंस देखो नॉन इकोनॉमिक में कैसे होगा। अगर बेटा वो डॉक्टर अपने चाइल्ड का, अगर ये डॉक्टर अपने चाइल्ड का ट्रीटमेंट करेगा तो क्या वो उससे फीस लेगा? अगर ये डॉक्टर अपने किसी फैमिली मेंबर को ट्रीटमेंट देता है तो क्या ये उससे फीस लेगा क्या, नहीं लेगा। अगर इसने अपने चाइल्ड का ट्रीटमेंट किया तो वो उससे फीस नहीं लेगा। तो जब भी, तो यहां पे पैसों की बात नहीं आई, ये क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि सॉरी बेटा क्योंकि यहां पे बच्चों पैसों की बात नहीं आई, तो ये क्या, ये कैसी एक्टिविटी हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सपोज दैट मैं आपको पढ़ाता हूं, आप स्कूल में फीस देते हो, अगर बेटा मेरे कोई छोटे भाई बहन होंगे जो कॉमर्स लिए होंगे, अगर मैं उनको पढ़ाऊंगा तो क्या मैं उनसे फीस लूंगा क्या, नहीं लूंगा। जब मैं उनसे फीस नहीं लूंगा तो आपको मैंने पढ़ाया, आपने जो फीस दिया, स्कूल ने मुझे जो फीस दी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ये टीचिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर मैं अपने भाई बहन को पढ़ाऊंगा मैं उनसे फीस नहीं लूंगा, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि वहां पैसों की बात नहीं आती। एक वकील होता है, वो अपने क्लाइंट का केस लड़ेगा तो उससे फीस लेता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वही वकील जब अपने घर का या अपने खुद का केस लड़ेगा, अपने फैमिली मेंबर्स का केस लड़ेगा, तो वो उनसे फीस नहीं लेता, वो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मेरे ख्याल से दोनों एक्टिविटीज आपको समझ में आ गई होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो बिजनेस में अगर पूछा जाए कि कैसी एक्टिविटी की जाती है, तो बिजनेस इज एन ह्यूमन एक्टिविटी। विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बेटा जहां भी दैट एक्टिविटी टर्म्स रिलेटेड टू अ मनी, ऐसी एक्टिविटीज जो कि मनी, जो मनी को रिफर करती है, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे कैसी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। विच सेटिस्फाई, सेटिस्फाई क्या, सेटिस्फाई होना है ह्यूमन नीड्स, जो लोगों की नीड्स है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगी बच्चों तो कोई बिजनेस में नहीं आएगा। कोई बिजनेस में क्यों आना चाहेगा, कोई आएगा ही नहीं। तो सेटिस्फाई होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। किस चीज का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ह्यूमन नीड्स का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अब ह्यूमन नीड्स के सेटिस्फाई के लिए जिस तरह अगर मुझे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा ना, तो मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो आपसे जो भी फीस मिलती है वो मेरे काम में आ जाती है, या उससे मेरी नीड्स फुलफिल हो जाती है। तो बाय सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये था पूरा बिजनेस का कॉन्सेप्ट। और यही बिजनेस के कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना कि बिजनेस में किया क्या जाता है, खरीदा या बेचा जाता है, क्या खरीदते बेचते हैं, क्या सेलिंग एंड परचेज होती है, गुड्स एंड सर्विसेज,
क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, हमें अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। आपकी नीड्स सेटिस्फाई कैसे होगी? जब मनी आएगा। मनी कैसे आएगी? जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे तभी मनी आएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे तो मनी नहीं आएगी। आपने काम करना तो स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन आप अपने भाई बहन को पढ़ा रहे तो आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएगी। और आपकी एक्टिविटी तो हुई, बट वो कैसी एक्टिविटी थी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। तो बेटा बस ये टोटल कॉन्सेप्ट था, और मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जिसको अगर इसमें कोई भी चीज ना समझ में आई हो, आप उससे मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, मैं लास्ट में आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। आइए बात की जाती है, जब भी बेटा हम किसी चीज के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, या कभी भी क्वेश्चन में आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाए, तो आपने ये डेफिनेशन दे दी। आपकी बुक्स में कई राइटर्स लिखे होंगे, उनकी डेफिनेशन होगी, किसी भी एक राइटर की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, या अपने आप से ये डेफिनेशन आप दे दीजिएगा। अब जब भी आप किसी चीज की डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट बताते हो, तो बेटा उसके साथ साथ आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बतानी पड़ती है, उसकी फीचर्स भी बताने पड़ते हैं। कभी भी कॉन्सेप्ट आएगा पेपर में, कहीं भी, या कोई कॉन्सेप्ट पूछता है, तो कभी भी सिर्फ उसकी डेफिनेशन बताकर चुप मत हो जाना, या अगर पेपर में आया तो सिर्फ डेफिनेशन लेकर छोड़ मत देना। डेफिनेशन के साथ साथ उसके फीचर्स भी लिखिएगा। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक। अब ये लिखना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इसलिए होता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। भाई आपने डेफिनेशन तो बता दी, अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, बिजनेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो देखो बिजनेस में हमने क्या देखा, सबसे पहले अगर पूछा जाए बिजनेस में क्या होता है, तो बेटा क्या दिखा? ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसका पहला फीचर क्या हो गया? ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस में बताओ सभी एक्टिविटी आती कि नहीं? चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो नॉन इकोनॉमिक हो, सॉरी नॉन इकोनॉमिक नहीं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं वो सब कहां आती हैं? बिजनेस में। जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी वो सब के सब बिजनेस में आती हैं, डेट इज कॉल्ड अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर एक फीचर तो हमको यहां से दिखाई दे गया, अब सर दूसरा फीचर कौन सा दिखाई दिया? दूसरा फीचर क्या है? देखो ये लिखा है सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। दूसरा फीचर दिखाई दिया तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों, दूसरा फीचर इसमें सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। किसको सेटिस्फैक्शन मिलता है? ह्यूमन नीड्स को। देखो डेफिनेशन से ही हमने क्या निकाल लिया? कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया कि सर हमें यहाँ पे सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे ह्यूमन नीड्स को क्या होता है बेटा? यहाँ पे ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई होती है। कैसे सेटिस्फाई होगी? कैसे सेटिस्फाई होगी? तो क्या किया जाता है? सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे तीसरा फीचर्स हुआ कि बिजनेस में सेलिंग की जाती है, सेलिंग एंड परचेजिंग। किस चीज की सेलिंग एंड परचेजिंग की जाती है? तो बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो बेटा ये तीन फीचर्स तो आपको समझ में आ गए होंगे, जो कि आपके डेफिनेशन से है कि बिजनेस में पहला क्या होता है? पहला यहाँ पे होता है कि इसमें सभी एक्टिविटीज आती है, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आती है। बेटा दूसरा क्या होता है? सेटिस्फाई, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स होता है। और तीसरा क्या होता है? सेलिंग ऑफ परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये तीन फीचर तो चलिए ये तीन तो हमको समझ में आ गए। क्या ऐसे कुछ और फीचर्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल होता है। अच्छा बताओ बेटा बिजनेस क्यों किया जाता है? आप बिजनेस में क्यों आओगे? क्या करने के लिए आओगे? तो जो चौथा मोटिव आपका होता है प्रॉफिट कमाना। अगर बेटा आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, या बिजनेस में आपका मोटिव प्रॉफिट का नहीं है, तो कोई भी इंसान बिजनेस में नहीं आएगा। बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, कि अगर बेटा हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहां पे हमें प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस चल पाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बेटा पांचवा फीचर इसका क्या था? जो फिफ्थ फीचर है, बिजनेस में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो अगर आप देखोगे तो बिजनेस बेटो सबसे ज्यादा रिस्क होता है। सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ होता है? बिजनेस में। अच्छा ये बताओ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जब आप कहते हो कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या हमारे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास रिस्क होता है क्या? गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं होता। तभी तो लोग आजकल के हमारे यूपी और बिहार में या इंडिया में भी
मैक्सिमम ज्यादातर तो लोग बिजनेस को छोड़ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, क्यों? कोई इसकी नहीं है, कोई इसका क्या नहीं, क्यों नहीं है? एक बार अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए तो आप वहां पे जाके कोई काम भी नहीं होगा, या आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो भी पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, बेड पे लेट गए, एक महीने गए वहां नहीं गए तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी, एक महीने की सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय या जो एक बिजनेसमैन क्या होता है, अगर एक बिजनेसमैन एक दिन के लिए भी अगर उसका बिजनेस बंद हुआ तो बेटा एक दिन की उसकी इनकम चली गई ना। अगर एक दिन के लिए भी वो अपनी शॉप पे नहीं गया, एक दिन के लिए भी उसका बिजनेस अगर बंद हुआ या वो इस लायक नहीं, या वो इस कैपेबल नहीं है, ये चलो दो दिन हम बिजनेस में नहीं जाएंगे, हमें थोड़ा फीवर है, तो उसके दो दिन की इनकम तो चली गई। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, ये रिस्क है। तो बिजनेस में बेटा सबसे ज्यादा रिस्क होता है, और एक बात याद रखना पूरे बिजनेस में जहां पे मैक्सिमम रिस्क होता है, मैक्सिमम रिस्क बेटा प्रॉफिट भी वहां सबसे ज्यादा होता है। एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा रिस्क होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तभी तो लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ अपनी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं कि चलो ठीक है घर चल रहा है बाकी चीजें ठीक है, लेकिन जो एडवांस चीजें जो शौक है वो उनकी जल्दी नहीं हो पाती। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 2 करोड़ रुपए कमाने में पूरा जीवन लग जाता है, 60 से 70 साल वो अपना वेस्ट कर देता है, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए पर। लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन अगर उसका बिजनेस सर्वाइव हो गया तो आने वाले 6-7-8 सालों में ही वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा सकता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में क्या होता है, रिस्क सबसे ज्यादा होता है, तो प्रॉफिट भी यहाँ सबसे ज्यादा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में या गवर्नमेंट कंपनियों में आपका रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम है। जहां रिस्क कम होगा प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा, जहां रिस्क ज्यादा होगा प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा। क्यों? बिजनेस चल गया तो प्रॉफिट होगा, नहीं चला तो जो पैसा लगाया वो डूब भी जाएगा, उसमें कुछ आपको मिलेगा भी नहीं। तो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट, और जहां पे कोई रिस्क नहीं है वहां पे कोई प्रॉफिट भी नहीं है। ये 5 फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे, इसमें यहाँ कोई दिक्कत होगी नहीं कि अगर अब आपसे पूछा जाए आप सकते हो यस सर हमें पता है बिजनेस क्या है, बिजनेस इज एन ह्यूमन एक्टिविटी, कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बाय सेलिंग एंड परचेसिंग गुड्स। अरे अपना वो बंद करो, इज दैट द फर्स्ट फीचर इज, इसमें ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है सिर्फ वही आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्लूड नहीं किया जाता। सर इसमें दूसरा फीचर था सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, जैसा कि हमने ऊपर आपको दिखाया कि बिजनेस क्यों किया जाता है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और कैसे सेटिस्फाई होगा बाय सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड जब ये सेलिंग एंड परचेसिंग होगा और नीड्स को सेटिस्फाई होगा तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट मोटिव भी होता है, बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है और बिजनेस में रिस्क भी होता है। जहां ज्यादा रिस्क होता है सर वहां प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से आपको बिजनेस की जो डेफिनेशन है या बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, जब भी पेपर में आएगा कॉन्सेप्ट लिखने को आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, तो बेटा जब कॉन्सेप्ट लिखोगे ना तो यहां से लेके यहां तक ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट में आती हैं। जब भी किसी चीज का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा तो आपको उसकी डेफिनेशन पूरे बिजनेस में याद रखना, इकोनॉमिक्स में याद रखना, कहीं भी पूछा जाए तो आपको कोशिश करना है कि उसकी डेफिनेशन साथ साथ उसके फीचर्स को आप जरूर बताइए, ठीक है? तो डेट इज अ बिजनेस और ये था उसका कॉन्सेप्ट। आइए बच्चों बात की जाती है आगे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज हमने इसकी डेफिनेशन और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा कि बिजनेस होता क्या है, उसमें कितनी एक्टिविटीज होती हैं और बिजनेस के फीचर्स क्या है। इन तीनों को पढ़ने के बाद अब बात की जाती है कि बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्ट। बेटा आपका पढ़ाई का क्या ऑब्जेक्ट है, आप क्यों पढ़ते हो? तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर हो सकता है कि हम पढ़ते हैं पेपर में नंबर अच्छे पाना है, हमको फर्स्ट डिवीजन पास होना है,
क्यों पास होना है? क्योंकि पापा ने कहा है फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओ तुमको एक बाइक ला के देंगे, एक स्कूटी खरीद देंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट पढ़ने का क्या हुआ कि हमको सर पेपर में नंबर अच्छे पाना है क्योंकि पापा ने ऐसा कहा है कि हमको बाइक मिलेगी। कई बच्चे कहते हैं सर आप पढ़ने का ऑब्जेक्ट है, हमें नॉलेज चाहिए। कई बच्चों का ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ नंबर पाना। आज के मैक्सिमम बच्चों का ऑब्जेक्ट क्या बन चुका है? स्टडी। आज के मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं चलो पढ़ते हैं किस लिए, नंबर पाना है। नंबर पाने के बाद हम भूल जाएंगे कि पिछले साल क्या पढ़े थे। बच्चा पढ़ता है उसको ये नहीं पता होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका मोटिव क्या है, ये हमारे जीवन में कैसे अप्लाई होती है, हमारी लाइफ में कैसे इन्फ्लुएंस, ये चीजों कैसे हमारी लाइफ से अटैच है। उसको अपने जीवन से जोड़ के नहीं पढ़ता। कहता है क्या मतलब है जीवन से जोड़ के पढ़ने का? सर पढ़ने का सीधा तो मेरा ऑब्जेक्ट है स्कूल में पास हो जाए, पेपर में पास हो जाए, पापा से डांटना पड़े, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं आज के समय में। बेटा जॉब वगैरह चीजें हैं तो जो आपने लिखी अच्छी जॉब पाने के लिए, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर अच्छी जॉब पाने के लिए। बेटा अच्छी जॉब पाने, जो जॉब पाने का सपना होता ना वो ट्वेल्थ तक के बच्चों में नहीं होता। ट्वेल्थ के बाद बच्चा सोचता है कि अब हमें क्या करना है। जो प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है, बच्चे ये सोचते हैं पढ़ लो पेपर में रिजल्ट अच्छा बन जाए, रिजल्ट अच्छा बनेगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो उनके पढ़ाई का ऑब्जेक्ट है। आगे वो सोचते हैं आगे की स्टडी में कि हमें किस फील्ड में या किस जॉब में जाना है। अब यहां पे लेकिन बात की है बिजनेस की कि एक बिजनेसमैन का क्या कॉन्सेप्ट होता होगा। एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस खोलता होगा तो क्या सोच के खोलता होगा? तो यहां पे बेटा हम जब बिजनेस की, यहां पे जब ऑब्जेक्ट की बात की जाती है तो बिजनेस के ऑब्जेक्ट में पहला ऑब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। देखो बेटा ऑब्जेक्ट को तीन तरीके से डिवाइड किया गया। एक कहा गया इकोनॉमिक, दूसरा कहा गया सोशल और तीसरा कहा गया इंडिविजुअल। बेटा पहला ऑब्जेक्ट क्या कहा गया? पहला ऑब्जेक्ट आपको बताया गया कि सही है क्या, इसका पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। इकोनॉमिक का मैंने क्या मतलब बताया? इकोनॉमिक कहीं भी वर्ड यूज होगा तो पैसों से मतलब होगा। किससे मतलब होगा? पैसों से। जहां भी पैसे की बात की जाएगी वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी। सोशल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जो बिजनेस के आसपास की सोसाइटी है ना भाई, बिजनेस किसी ना किसी सोसाइटी में ही तो एग्जिस्ट होगा। अगर ये स्कूल है, ये स्कूल का बिजनेस है तो स्कूल के आसपास की सोसाइटी भी तो है। ये स्कूल किसी ना किसी सोसाइटी के बीच में ही तो है। कोई अगर शॉप होती है, PVR है, बिग बाजार है या कोई भी बिजनेस है, उसके आसपास की सोसाइटी भी तो वहीं तो होगी। तो उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्ट भी होंगे, मतलब बिजनेस के लिए नहीं, आसपास के जो उनके सोसाइटीज हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है जो बिजनेस के एम्प्लॉयज हैं। इंडिविजुअल का मतलब जो बिजनेस के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए बिजनेस का क्या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। तो चलो बिजनेस के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। पहली बात की जाती है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। अब सर इकोनॉमिक का मतलब तो पैसा होता है। अब पैसा तो बिजनेस को चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए बिजनेस को? तो बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए। अगर पैसा नहीं आएगा तो बेटा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पैसा नहीं आएगा तो बिजनेस कितने दिन चला लोगे? एक महीने, दो महीने? जिस तरह अभी देखो स्कूल लॉकडाउन की वजह से कई पेरेंट्स ने क्या सोचा, जब स्कूल खुलेगा तो हम फीस देंगे। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहता है। देखो पर्सनली मत लेना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें फीस जमा करने के लिए बोल रहा हूँ। जब जिसके पास समस्या होगी तभी देना, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। हर पेरेंट्स आता है कि अपने हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, टीचर अच्छे से अच्छा पढ़ाए, लेकिन हमें फीस ना देनी पड़े। बेटा अगर ये बताओ फीस नहीं आएगी तो क्या स्कूल या कोई कोचिंग या कोई बिजनेस चल पाएगा क्या? अगर स्कूल में फीस नहीं आएगी तो क्या हमें पेमेंट मिल पाएगी क्या? हमें पेमेंट नहीं मिलेगी तो क्या हम स्कूल में पढ़ाएंगे क्या? अगर हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तो आप पढ़ोगे किससे? तो बच्चे कहते हैं सर यूट्यूब से। बच्चे क्या कहते हैं? सर यूट्यूब से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एग्जाम्पल था। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट क्या है? सर्वाइव करना। तो बिजनेस का पहला ऑब्जेक्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? सही बात।
कि पैसा नहीं आएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा पहला उद्देश्य क्या है कि पैसा आना चाहिए जिससे कि हम सर्वाइव कर सकें। और बोले सर्वाइव करेंगे भाई, सिर्फ सर्वाइव करने से काम नहीं चलेगा कि चलो ठीक है उतना पैसा आ गया कि हमारा स्कूल चल रहा है, हमारा बिजनेस चल रहा है, उतना पैसा आ जाए। अगर मान लीजिए आपके फादर को सिर्फ उतनी सैलरी दी जाए जिसमें आपका खाना, आपके घर का खाना हो जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए और कपड़े लत्ते जो भी हैं वो अपना पहन ले, सिर्फ इतनी ही सैलरी मिले महीने भर में, अगर 10,000 का खर्च है सिर्फ आपके फादर को 10,000 रुपये सैलरी मिले, तो क्या आपका विकास हो पाएगा क्या? क्या आप डेवलपमेंट कर पाओगे क्या? कभी नहीं, सिर्फ खाओगे पैसा खत्म, जब पैसा खत्म तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो बेटा सर्वाइव के साथ साथ हमको प्रॉफिट भी चाहिए। बिजनेस जब सर्वाइव करेगा तो सर्वाइव होने के साथ साथ हमको दूसरा क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। कि बिजनेस को प्रॉफिट भी होना चाहिए तभी बिजनेस आगे अपने आप को बढ़ा पाएगा। क्या बढ़ा पाएगा? और बढ़ाने को क्या कहते हैं? तो बेटा मेरे ख्याल से बस बिजनेस के जो ऑब्जेक्ट है उसमें, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में यही तीन चीज आती है। पैसा कमाना है, क्यों कमाना है? क्योंकि इकोनॉमिक का वर्ड लगा, इकोनॉमिक का मतलब पैसे से मतलब है। ऑब्जेक्ट क्या? पैसा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए आना चाहिए। अब बेटा सिर्फ सर्वाइव से ही काम नहीं चल पाएगा, अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना तो आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। पैसे आने के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए, और जब प्रॉफिट होगा तभी आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। यहां तक कोई दिक्कत है? तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा इसके सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जब आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तब जब बात की जाती है बेटो तो सोशल ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। और सोशल ऑब्जेक्ट में क्या आता है? तो सोशल ऑब्जेक्ट में सिंपल सी चीज बोलता है, यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्ट की बात की गई। सोशल ऑब्जेक्ट में बच्चों सोसाइटी को ध्यान में रखा गया, जो हमारे बाहर की सोसाइटी है। अब सोसाइटी को क्या चाहिए? तो सोसाइटी को क्या चाहिए? सोसाइटी को एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सोसाइटी को एक अच्छा सा प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट भी अच्छा हो लेकिन उसकी कॉस्ट कम हो। तो चीप एंड बेस्ट जो हम बोलते नहीं है कि चीप एंड बेस्ट, सस्ते में अच्छी चीज हमें मिल जाए। एक सोसाइटी को क्या चाहिए? एक बिजनेस से सस्ते में अच्छी चीज ही तो चाहिए। हर एक इंसान चाहता है कि हमको BMW 2 लाख रुपए में मिल जाए, 1 लाख में मिल जाए, 50,000 में मिल जाए, तो हम BMW से चलेंगे। तो एक सोसाइटी की डिमांड क्या होती है? कि चीप एंड बेस्ट, कि कम से कम पैसों में हमें अच्छी से अच्छी चीज मिल जाए। तो यहाँ का हमारा सोशल ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन। मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक है बच्चों? होना चाहिए। तो सोशल ऑब्जेक्ट का पहला क्या है? मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों जब दूसरी चीज की बात की गई, दूसरा क्या है कि यहाँ पे अनफेयर, दूसरी चीज आपके सोशल में क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए। भाई आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी वाले लोग क्या सोचते हैं कि इस कंपनी में हमको जॉब मिल जाए तो हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस का पर्पस क्या होना चाहिए, जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, कि जो हमारे आसपास की सोसाइटी है हमें एम्प्लॉयमेंट भी अपने यहाँ रखना है, लोगों को अपने यहाँ जॉब भी देनी है, तो उनका डेवलपमेंट हो पाएगा, हमारी सोसाइटी डेवलप होगी, ठीक। चलिए सर ये दोनों हमको समझ में आ गया, मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो जाए, एम्प्लॉयमेंट। तीसरा चीज बेटा आजकल सबसे अच्छा चला है इको प्रोडक्शन। आजकल ये ऑब्जेक्ट हर एक बिजनेस का हो गया है। तो ये इको प्रोडक्शन क्या है बेटा? प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि आपकी सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो, नुकसान का सेंस एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन ज्यादा ना हो। अगर आपके यहाँ इको फ्रेंडली, आपके आपके नेचर को कोई भी हार्मफुल ना हो, तो आपका प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी सोसाइटी में ज्यादा, आपकी सोसाइटी हार्मफुल ना हो, आपका नेचर हार्मफुल ना हो। तो ये आजकल ये जो ऑब्जेक्ट है ये आजकल हर एक बिजनेस का बन चुका है कि आपके यहाँ का प्रोडक्शन, आपका बिजनेस सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है। ये बेटा तीन ऑब्जेक्ट आपके सोशल ऑब्जेक्ट में है। इसके बाद
आपका कम्युनिटी है या बाकी चीजें, तो ये आप दो तीन चीजें चार चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन, सोशल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट हम दे दें, इको प्रोडक्शन होना चाहिए आपका जो है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे सोसाइटी को क्या चाहिए, प्रोडक्ट में क्वालिटी चाहिए, तो आपकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बेटा यहाँ तक आज मैं पढ़ाता हूँ, इसके बाद आपके डाउट्स को पूछूंगा, ये ऑब्जेक्ट और बाकी चीजें जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है या बाकी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही काफी, अब जिसे जो पूछना होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।